अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब फैशन ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पेंट का ये वाला डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने में मैं दो लेसें यूज़ कर रहा हूँ, एक ही लेसें जो कि 2 गज़ है और एक ये लेस है, ये भी 2 गज़ है। और इसके अलावा ये ऑर्गेन्जा है जो कि 1.25 गज़ है और इस ऑर्गेन्जा को मैंने इस तरह से इस तरीके की मदद से डबल करके यूँ देखिए डबल है ये, और यहाँ पर ये कट लगा लिए मैंने 2.5 इंच पूरे ऑर्गेन्जा पर ऐसे। अब इसके बाद ये जो हमने कट लगाए हैं ये आमने सामने आ गए हैं, एक ये कट है और एक ये कट है। आमने सामने जो कट है इनको ऐसे पकड़ेंगे यूँ और इस पर सिलाई लगाएंगे एक पैर की इस तरह से। दूसरे कट को भी ये कट पकड़ेंगे और ये कट पकड़ेंगे ऐसे, और फिर इस पर भी पैर की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये पूरे कपड़े पर ये जो हमने डाली है प्लेटें इस तरह से हम पूरे कपड़े पर डाल लेंगे। ये देखिए ये पूरे कपड़े पर मैंने प्लेट्स डालनी है इस तरह से। ये तकरीबन इसको 16 इंच का है, ये इस तरह से ही मैंने इसको प्लेटें डालनी है। ये देखिए ये प्लेटें मैंने इस तरह की मदद से बिठा ली हैं और ये दोनों को मिलाकर ऐसे यहाँ पर मैंने एक क्रीज डाल ली है और इस क्रीज पर मैं इसको बीच में से काट दूँगा ऐसे। अब ये इसके 2 हिस्से हो गए हैं, ये 2 पैंचों के हमारे प्लेटें बन गई हैं। अब इसके बाद ये लेस हम इधर जोड़ेंगे इसके साथ इस तरह से। देखिए ये मैंने लेस जोड़ ली है एक तरफ इस तरह से, और दूसरी साइड पर भी हम लेस जोड़ लेते हैं। ये देखिए दोनों साइडों पर मैंने लेस जोड़ ली है, दूसरे वाले पर भी इसी तरह से लेस जोड़ लेते हैं। ये देखिए दोनों मैंने इस्त्री लगाकर बिठा लिए हैं दोनों पीस। अब हम इसको पैंट में जोड़ेंगे। पैंट को मैंने तैयार करके रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे मोड़ लिया है पैंचे को, और एक साइड जो है इसकी खुली रखी हुई है इस तरह से। अब ये पीस हम इसमें जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के लिए पहले हम पैंट को कटिंग करेंगे। कटिंग किस तरह से करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का फासला 5 इंच रखकर इसको ऐसे, और एक निशाना इधर लगा लीजिए और एक निशाना इधर लगा लीजिए, और इस निशान से 1/2 इंच अंदर और इस निशान से 1/2 इंच अंदर आप इसको काट लीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने ये बीच का पीस जो है वो काट के निकाल लिया है। अब ये 2 पीस रह गए हैं, इन 2 पीसों के दरमियान में हम इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं आइए देखते हैं। पैंट को जो है हम सीधा रखेंगे और इसको हम उल्टा रखेंगे इस तरह से, और इधर किनारी पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आप दूसरे पैंचे पर भी सिलाई लगा लें। ये देखिए दोनों पैंचों पर सिलाई लगाकर हमने ये पीस को जोड़ लिया है इस तरह से। अब इधर आगे हम पैंचे वाला पीस जोड़ेंगे, ये वाला। अब ये जो छोटा वाला पीस है हम ये जोड़ेंगे इसके अंदर इस तरह से, इसको सीधा रखेंगे और इसको उल्टा रखेंगे ऐसे इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से ये पीस मैंने पैंट के अंदर दोनों पैंचों में जोड़ लिया है। अब हम इसके अंदर लेस लगाएंगे। लेस को हम यहाँ से यहाँ तक 3 इंच के फासले पर लाएंगे इस तरह से, और इसको हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे। ये नाप लेते हैं ये 3 इंच आ गया है, और इस लेस को हम उल्टी करके लाएंगे ऐसे इस तरह से।
दूसरे पैंचे में भी ऐसे ही लगा लेते हैं। ये देखिए दोनों पैंचों में मैंने इस तरह से लेस लगा दी है। ऐसे टर्न करने के बाद इधर हम इस पर सिलाई लगाएंगे एक लब की इस तरह से। दूसरे पैंचे पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये लेस मैंने लगा ली है, अब एक लेस और लगाऊंगा मैं। यहाँ से 3.5 इंच पर मैंने ये क्रीज लगा ली है। अब दूसरी लेस जो है मैं इस क्रीज पे लगाऊंगा। इस लेस को उल्टा रखूंगा मैं इस क्रीज पर और इस तरह से इसका रुख ऊपर की तरफ होगा और सिलाई लगाऊंगा। दूसरे पैंचे में भी इसी तरह से लेस लगा लें। अब इसके बाद इस लेस को हम ऐसे टर्न करेंगे यूँ और एक सिलाई लब की तरह लगा लेंगे जिसे नीचे वाली लेस पे लगाई थी इस तरह से। दूसरे पैंचे पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लें। अब हम पेंट की जो ये वाली साइड खुली हुई थी इन दोनों को मिला के बंद कर देते हैं पैंचे को इस तरह से। ये लेसें जो हैं दोनों आपस में मिलनी चाहिए, ये वाली भी और वो वाली भी। और ये वाली लेस भी आपस में मिलनी चाहिए। दूसरे पैंचे को भी आप इसी तरह से बंद कर लें। ये देखिए ये पेंट का डिज़ाइन बनकर हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। ये देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।